अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आए हैं। आप पिज़्ज़ा सॉस घर में किस तरह से बना सकते हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 1 अदद प्याज लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक, और 2 टेबल स्पून हमने केचप ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है, हसबे जायका ही वैसे तो डालेंगे, और लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने शुगर ले लिया है, 1/2 टीस्पून हमने ये सूखा धनिया ले लिया। तो चलिए हैं बनाने की तरफ चलते हैं कि किस तरह से इसको रेडी करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं इसको, और ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके तो इसको ब्लेंड कर लेते हैं। चलो ये हमने ब्लेंड कर लिया, अब हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छी तरह से हमने साफ कर लेना ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए, ठीक है। और लो फ्लेम पे इसको पकाना। थोड़ा सा हम इसमें सीका ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे, और इसको हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह पकाएंगे। तो आप अगर आपके पास रेड कलर है तो इसमें रेड कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनली ऐड हम ऐड नहीं कर रहे, लेकिन आपको अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है वो रेडी है, पिज़्ज़ा सॉस। आप इसको पिज़्ज़े पे लगा के, सैंडविच पे लगा के मज़ेदार सी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सर्व करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी है, ठीक है। आप इसको पिज़्ज़े के ऊपर लगा के इंजॉय करें और सैंडविच वगैरह के ऊपर यूज़ करें, और आप इस मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।